सिद्धू मूसेवाला की मौत तो बाद पहली बार सिंगर करण औजला खुल के बोले ने। अजिहा पहली बार होया जो उन्होंने मौत तो बाद उन्होंने एक निजी चैनल जो इंटरव्यू दिता तो खुल के उन्होंने अपने विचार रखे ने। दस दिए कि इस तो पहला जो गल्ला होंगे सी तो उन्होंने आपसी विवाद या होंगे सी, पर उन्होंने मौत तो बाद सिद्धू मूसेवाला की मौत तो बाद करण औजला पहली बार खुल के बोले ने। तो उन्होंने यही किया है कि सिद्धू मूसेवाला अते उन्होंने दरम्यान सब कुछ ठीक हो चुकिया सी ते सब कुछ नॉर्मल उन्होंने नाल चल रहा सी। ते उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की मौत तो बाद उन्होंने पिता ने भी फोन किया, उन्होंने घर भी फोन किया। इस दौरान उन्होंने जो गलबात हुई उस बारे भी उन्होंने खुल के दसिया। तो नाल दी नाल उन्होंने यह भी किया कि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने उन्होंने आशीर्वाद दिता सी ते नाल दी नाल ही उन्होंने मुआफ़ी भी मंगी सी कि उस औखी घड़ी दे विच परिवार दे नाल नहीं हन। सो पहली बार अजिहा होया करण औजला सिंगर करण औजला पहली बार सिद्धू मूसेवाला की मौत तो बाद खुल के बोले ने। उन्होंने अपने विचार रखे ने सिद्धू मूसेवाला के नाल, अपने रिश्ते बारे भी उन्होंने गलबात की, खुल के उन्होंने वालों विचार सांझे किए गए। तो नाल दी नाल ही यह भी उन्होंने वालों दसया गया कि उन्होंने दरम्यान सब कुछ ठीक हो गया सी, उन्होंने विच जो मतभेद सी उस सारे सुलझ गए सी। तो इस दे नाल ही जो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के नाल गलबात हुई उस दे बारे भी उन्होंने वालों खुल के चर्चा की गई। दस दिए कि इस तो पहला जेकर गल की जाए तो सिद्धू मूसेवाला और करण औजला दरमियान जो विवाद चलते रहते जग जाहर सी ते उना दी ही हमेशा गल्लां हुंदियां रहिंदियां सी, पर अजिहा पहली बार होया जो तो एक निजी चैनल नो इंटरव्यू के दौरान करण औजला ने खुल के अपने विचार सांझे किए ने। सिद्धू मूसेवाला के नाल की कुछ गलबात हुई सिद्धू मूसेवाला से भी उन्होंने वालों खुल के अपनियां गल्लां रखियां गईयां। दस दिए कि दोहां गायकां विचाले गीतां दे राही एक दूजे नूं पहलां जवाब दित्ते जांदे रहे ने ते इस गल नूं लै के भी खूब चर्चा हुंदी रहिंदी सी। दोहां दे जो मतभेद सी जो विवाद सी उह जग जाहर सन, पर पहली बार अजिहा होया जो सिद्धू मूसेवाला दे गलबात करदे होए करण औजला ने कहा कि उहनां दे दरमियान सब कुछ ठीक हो गया सी अते अजिहा कुछ भी नहीं सी कि सारे जो उहनां दे मतभेद सी जो भी क्लैशिज सीगे उह सुलझ गए सन। एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धू मूसेवाला से गल करते हुए उन्होंने सारी गलों का खुलासा किया। उन्होंने यह कहा कि हुण उन्होंने महसूस होंदा कि वो सब कुछ करन दी कोई जरूरत नहीं सी, जिस तरीके दे नाल गीते दे राही एक दूजे नूं सुनाया जांदा सी जो कुछ भी उन्होंने दरम्यान चल रहा सी। तो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान सब तो पहला यही कहा कि जो कुछ भी होया उसकी जरूरत नहीं सी, तो जो कुछ सिद्धू मूसेवाला तो उसके परिवार के नाल होया वो वेख के भी उन्होंने उन्होंने जिंदगी वेखन का जो नज़रिया है वो बदल गया, तो कुछ भी करन दा तरीका उन्होंने बदल गया। उन्होंने कहा कि पंजाबी गायक उन्होंने कहा कि 29 मई तो बाद उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के पिता ने फोन किया सी ते उन्होंने पिता ने उन्होंने आशीर्वाद भी दिता सी ते उन्होंने इस चीज़ की मुआफ़ी भी मंगी सी कि इस औखी घड़ी दे विच वह परिवार के नाल नहीं हैं। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला का गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी ते पंजाब दे विच ही नहीं पूरे देश दुनिया में भी इस खबर ने हिला के रख दिता सी। ते करण औजला दे वल्लों उस औखी घड़ी दे विच परिवार को फोन किया गया ते इस चीज़ की भी मुआफ़ी मंगी गई सी पिता तो कि वह इस औखी घड़ी दे विच परिवार के नाल नहीं हैं। ते नाल दी नाल ही उन्होंने यह भी दस्सिया कि उन्होंने पिता ने उन्होंने आशीर्वाद दिता सी। उन्होंने कहा कि मैनू नहीं पता कि मैं तुहानू की कहाँ, पर मैं तुहाडा दूजा पुत्र हाँ। सो करण औजला दे वल्लों इंटरव्यू दौरान ये सब कुछ गल्लां कहियां गईयां ने। सिद्धू मूसेवाला दे नाल जुड़ियां हुई पहली बार उन्होंने वालों जो गल्लां कही गई ने सामने आई ने। करण औजला ने कहा कि सिद्धू के मापियां नू जिथे भी जरूरत होगी वह हमेशा उत्थे उन्हां दे नाल खड़े हैं। तो इस तो इलावा उन्होंने कहा कि सिद्धू की मौत तो पहला जो उन्होंने फोन पर कॉन्वर्सेशन हुई गलबात हुई उन्होंने सिद्धू की मौत तो पहला सिद्धू ने फोन भी किया सी ते पूरे विवाद को लैके जो भी उन्होंने दरम्यान मतभेद चल रहे थे उसमें लैके गलबात भी हुई सी। ते नाल दी नाल ही उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का यह कहना सी कि कुछ लोग ने इंडस्ट्री के नाल जुड़े हुए या फिर जो उन्होंने नाल कुछ लोग ने जो उन्होंने नाल जुड़े हुए ने उही उन्होंने दरम्यान जो है गल्लां नूं विगाड़ रहे हैं। तो इन सारिया गल्लां लैके उन्होंने विच गलबात हुई तो सारे जो विवाद सी वह सुलझ गए सी। करण औजला ने यह किया कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला ने फोन किया सी ते अपने विचाले सारिया गल्लां साफ कीतियां ते इस दे नाल उन्होंने थोड़ी राहत भी महसूस हुई ते इस गल का अज तक सिद्धू मूसेवाला के परिवार तो इलावा होर किसी नूं भी नहीं पता। उस वेले सिद्धू ने ही यह कहा सी कि कुछ लोग ही हैं जो दोहां विचाले इन्हां गल्लां नूं ज़्यादा विगाड़ रहे ने ते उस तों बाद उन्हां दोहां दे दरमियान सब कुछ ठीक रहा। सो सिद्धू मूसेवाला की मौत तो बाद पहली बार करण औजला खुल के बोले ने। दस दिए कि पहली बार अजिहा होया जो करण औजला ने
कि अमृतसर उत्ते आ के सिद्धू मूसेवाला दे नाल जुड़िया कोईयां कुछ गल्लां कहियां ने ते इस दौरान ही यह वड्डे एक तरीके दे नाल इन्हां नूं खुलासे भी कह सकते हैं कि करण औजला ने यह किया कि सिद्धू मूसेवाला की मौत तो पहला उन्हां दे विच जो विवाद चल रहे जो मतभेद से वह सारे ही क्लीयर हो चुके सी ते सिद्धू मूसेवाला की मौत से उन्हां नूं बेहद दुख है ते उन्होंने यह भी किया है कि सिद्धू की मौत तो बाद उन्हां दा काम करन दा नजरिया जिंदगी नूं वेखण दा नजरिया भी बदल गया ते इस अलावा जो सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई सी उन्होंने परिवार को फोन भी किया सी ते उन्होंने पिता ने उन्होंने आशीर्वाद भी दिता सी ते नाल दी नाल ही उन्होंने इस चीज़ की भी मुआफ़ी मंगी सी कि वह औखी कड़ी दे विच जो परिवार के नाल नहीं हैं। तो इस तो पहला की जेकर गल की जाए तो सिद्धू मूसेवाला और करण औजला दरम्यान जो विवाद होंगे सी जो मतभेद होंगे सी हमेशा उन्हां दी ही चर्चा होंदी सी ते एक दूजे नूं गीता जरिए एक दूजे नूं जवाब देन दा भी उन्हां दे जो तरीके दे हमेशा ही गलबात हमेशा ही यह चीज़ां चर्चा दे विच रहियां हन। ते सिद्धू मूसेवाला दी मौत तो बाद जिहा पहली वार होया जो करण औजला खुल के बोले ने ते उन्होंने यह कहा कि सिद्धू मूसेवाला की मौत तो पहला उन्होंने दरम्यान सारे जो विवाद से मतभेद से सुलझ चुके सी ते इस गल का सिवाय सिद्धू मूसेवाला के परिवार तो उन्होंने तो किसी को भी नहीं पता सी।